हेलो स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर एग्जांपल की हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ये, जिसके अंदर हम नीट से लेके जेई एडवांस के लेवल के एग्जांपल को हम देखेंगे। फर्स्ट, जिसने सीआईपी रूल का वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो पहले उसे देख लें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सेंट्रल कार्बन के आजू बाजू टोटल फोर ग्रुप होंगे, जिसके अंदर फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा उसके बेसिस पे हमें दो कंडीशन याद रखनी है। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार है। पहली कंडीशन है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल, अगर वो वर्टिकल पोजीशन में है तो गो फ्रॉम 1, 2, 3, फोर नंबर को हमें हाइड करके 1, 2, 3 को फॉलो करना है। अगर वो क्लॉकवाइज मिले तो हम कहेंगे कि वो आर है, और अगर हमें वो एंटी क्लॉकवाइज मिले तो हम कहेंगे कि वो एस है। इसी प्रकार इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल, अगर हमें वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में मिलता है तो सेम हमें 1, 2, 3 को फॉलो करना है, फोर नंबर को हाइड करके। और उसके लिए अगर हमें क्लॉकवाइज मिले तो उसके लिए हम कहेंगे एस है, और अगर वो हमें एंटी क्लॉकवाइज मिले तो हम कहेंगे कि वो आर है। तो ये कंडीशन को हमें फर्स्ट याद रखना है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो फर्स्ट, अगर हमें इस तरह दिया है, यहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहां पे है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहां पे सी एच थ्री और यहां पे एच। तो फर्स्ट सीआईपी रूल के हिसाब से याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होगा उसके लिए कार्बन के साथ तीन बार कार्बन अटैच होंगे, यानी कि इसका अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो सबसे पहले आएगा वो, तो ये हो जाएगा वन नंबर। उसके बाद इसकी बात करें डबल बॉन्ड वाला, तो ये आएगा सेकंड नंबर, सी एस थ्री आएगा तीन नंबर पे और हाइड्रोजन आएगा फोर नंबर पे। 1, 2, 3 अगर देखें तो 1, 2 और 3 तो इस तरफ ये जाएगा, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और फोर नंबर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये हो जाएगा आर। तो फर्स्ट इस तरह में आर मिलेगा। सेकंड, अगर हमें इस तरह स्ट्रक्चर दिया है, यहां पे है सल्फर इस तरह से, इसी तरह अगर यहां पे है नाइट्रोजन, और इसी तरह अगर यहां पे है ऑक्सीजन और यहां पे हाइड्रोजन। अब इन चारों की बात करें तो इसके लिए फर्स्ट यहां देखें तो कार्बन सेम है, यानी कि पहला एटम जो है वो सेम है। तो अगर सेकंड देखें तो यहां पे सल्फर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इन तीनों के अंदर अब बात करें तो सल्फर वाला जो है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ऑक्सीजन आएगा, थर्ड नंबर नाइट्रोजन आएगा और हाइड्रोजन फोर नंबर पे आएगा। अब इसके लिए 1, 2, 3 को फॉलो करें तो ये इसी तरह मिलेगा, और ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके लिए भी हमें आर मिलेगा, तो ये हो जाएगा आर। इसी तरह अगर हमें स्ट्रक्चर ऐसे दिया है, NH2 COOH, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है एच, नाइट्रोजन तो उसके लिए वन नंबर, दोनों कार्बन सेम है लेकिन दूसरा एटम ऑक्सीजन है तो ये पहले आएगा, उसके बाद CH3 नंबर और ये फोर नंबर पे। यहाँ पे सीधा 1, 2 और 3 दिख रहा है तो ये इस तरह होगा। और इसके लिए अगर देखें तो ये जो दिख रहा है ये क्लॉकवाइज है और हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमें मिलेगा एस, यानी कि ये एस हो जाएगा।
अगर हमें स्ट्रक्चर इस तरह दिया है, यहां पे दो ऑक्सीजन इस तरह से, इसी प्रकार यहां पे भी हमें दिया है दो ऑक्सीजन, इसी तरह ऊपर देखें तो यहां पे भी हमें दे दिए हैं दो ऑक्सीजन और उसके साथ इस तरह, और इस तरफ देखें तो यहां पर भी है दो ऑक्सीजन इस तरह। तो ये वाले स्ट्रक्चर के लिए हमें खास याद रखना है कि जितनी छोटी रिंग होगी वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन उतने ही ज्यादा रिपीट होंगे सीआईपी रूल के हिसाब से। तो इन सब में देखें तो कार्बन और उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन और उसके बाद ऑक्सीजन है, तो जो सबसे छोटी रिंग होगी वो सबसे पहले आएगी, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन सबसे पहले रिपीट होंगे। तो ये आएगा फर्स्ट नंबर, उसके बाद ये आएगा सेकंड नंबर, ये आएगा थर्ड नंबर, और ये आएगा फोर्थ नंबर। तो इसके लिए 1, 2, 3 को अगर देखें तो 1, 2 और 3, तो ये इस तरह यानी कि क्लॉकवाइज, और फोर नंबर जो है वो वर्टिकल है, तो उसके लिए क्लॉकवाइज में हमें ये भी मिलेगा R, तो ये हो जाएगा R, तो ये मिलेगा। उसके बाद अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, अगर ब्रोमीन यहां पे दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, तो फर्स्ट आयोडीन सबसे पहले आएगा, सेकंड आएगा ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, और फोर नंबर पे आएगा फ्लोरीन। 1, 2, 3 को अगर देखें तो ये क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज के लिए अगर बात करें हॉरिजॉन्टल के लिए तो ये हमें मिलेगा दैट इज एस, तो ये एस हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर ऐसा दिया है हमें, यहां पे 5 कार्बन रिंग है इस तरह से, यहां पर भी हमें 5 कार्बन रिंग दी है लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है, और यहां पे अगर हमें बेंजीन दे दिया है इस तरह से, और यहां पे हाइड्रोजन। तो फर्स्ट याद रखना है जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे वो उतना ही रिपीट होगा, तो उस हिसाब से वो सबसे पहले आएगा। तो इन तीनों की बात करें तो बेंजीन जो है सबसे पहले आएगा, यानी कि ये 1 नंबर पे, उसके बाद ये, इन दोनों की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड है तो ये वाला पहले आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 नंबर पे, ये होगा 3 नंबर, और हाइड्रोजन आएगा 4 नंबर पे। तो यहां से देखें तो ये इस तरह जाएगा, और उस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा R, तो इस तरह हमें मिलेगा। तो ये हमने देखे हैं एग्जाम्पल RS कॉन्फ्यूगेशन के लिए, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है। यहां पे एक कार्बन के लिए हमने चेक किया है, और आने वाले सेकंड पार्ट के अंदर हम दो कार्बन के लिए R और S को ढूंढेंगे। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।